गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? संडे कैसा गया सभी लोगों का? अच्छा गया? होमवर्क दिया था आप लोगों को मैंने, शायद पानी से होने वाली बीमारियों के नाम पूछे थे आपसे। ये तो बड़ा आसान होमवर्क कि अगर आप किताब में नहीं देखेंगे आंसर, या यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं पर भी अगर आप नहीं देखेंगे तो भी आप नाम बता सकते हैं। ऐसी अनगिनत बीमारियाँ हैं जो पानी की वजह से होती है। पानी पीने की वजह से भी होती है, पानी नहीं पीने की वजह से भी होती है, पानी कम पीने की वजह से भी होती है, पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी होती है, मिनरल वाटर पीने की वजह से भी होती है, तो आर ओ का पीने की वजह से भी होती है। तो पानी से समस्या होना एक आम बात है ना। वैष्णवी आनी ने सबसे पहले स्टडी अड्डा पर 10:51 पर ही अपना होमवर्क सबमिट कर दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का नाम लिखा है, कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया और एक बाप रे एक तो भयंकर वाली बीमारी जिसका तो मुझे ही पढ़ने में नहीं आ रहा है, मेनिंगिटिस और डाइजेंट्री। क्या बात है। ठीक है, वैष्णवी एनी जी का नाम भी वैसे ही, काम भी वैसा। अनुष्का शर्मा जी हमारे बीच में है जो होमवर्क सबमिट करते हुए, तृप्ति त्रिपाठी जी, त्रिपाठी सरनेम काफ़ी खतरनाक माना गया है जब से मिर्ज़ापुर आई है। अंतरा जी, दिव्यांश शर्मा, क्या बात है दिव्यांश जी। साक्षी प्रिया, ओके, होमवर्क तो सभी का सही है। पीहू पांडे, गुड आफ्टरनून। ईशा मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ना, पहले होमवर्क करो। शिया, होमवर्क कर दिया। कुशाग्र कौशल, सत्यम तावड़े, तयाड़े क्या है नाम, तयाड़े हैं, अरे बाप। अविराल रे, तूने तो गजब करा रे, अविराल तू तो डॉक्टर बन जाओ या इतनी बीमारी के बारे में पता कर लिया तूने कि पानी, दूषित पानी पीने के बाद में इतनी बीमारियाँ होती है, लंबी जोड़ी लिस्ट लिख दी तूने। इतना तो किसी डॉक्टर को भी नहीं पता होगा। स्किन इन्फेक्शन है, हाँ स्किन इन्फेक्शन मुझे हो गया था, है ना, मेनिंगिटिस, ये ऊपर भी लिखा था। तृप्ति कुमार, गुड मॉर्निंग। पार्थ अग्रवाल, वर्स्ट कस्टमर सर्विस। अरे तो यार तू मुझे क्यों सुना रहा है यार, भाई मैं गलत पढ़ा हूँ तो मुझे खींचना है यार, ये गलत बात है यार। कस्टमर सर्विस से तू नाखुश है और मुझे परेशान कर रहा है, मतलब मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ कभी, हाँ मैं कुछ गलत वलत पढ़ाऊँ तो भाई वहीं से जूता मारना, मेरे मुँह पर आके लगे ऐसा मारना, और बाटा का मारना ताकि अच्छा सा लगे मुँह पर। मेरी सर्विस में कुछ कमी आ रही हो, सर कुछ गलत पढ़ा रहे हो तो छोड़ मत तू यार, कस्टमर केयर वालों को तो लगा फ़ोन, मैं अभी आज तुम्हें दूसरा नंबर दिलवा देता हूँ, ठीक है, उस पर लगाना, फिर आखिर में बस मुझे मत परेशान मत करना। हाँ SST में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो परेशान करना भाई साहब। अब स्टडी अड्डा चलते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी खतरनाक खतरनाक आंसर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमारी साक्षी प्रिया, सर आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही थी? अरे बाप रे, 3 दिन बाद आंसर पूछ रही हो आप। वैक्सीन लगवाया था, हाथ से लेकर पाँव तक, कमर से लेकर सिर तक सब दर्द हो रहा था, बुखार इतनी भयंकर आई थी, ठंड लग रही थी गर्मी के दिनों में। पहले तो मैंने सोचा कि एक कंबल से काम हो जाएगा, फिर कंबल भी घट गया, तो फिर एक रजाई ली, फिर रजाई कंबल दोनों से काम नहीं हुआ, फिर एक और रजाई ली, दोनों रजाई और कंबल लेने के बाद मैं दुआ कर रहा था भगवान अब कुछ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप स्तर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कंबल का इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर। तो वैक्सीन ले ली मैंने, पर हाँ आई एम फीलिंग बेटर नाउ, दैट्स वाई आई वॉज नॉट टेकिंग द क्लासेज, बट सैटरडे आई टू, आपको ध्यान नहीं रहा। आकांक्षा त्रिवेदी जी, आपका क्या होमवर्क है? आकांक्षा त्रिवेदी जी ने बताया है कौन कौन सी बीमारी होती है पानी की वजह से, ठीक है, दूषित पानी ना पिए, पानी साफ ही पिए। पर आजकल एक और समस्या आ रही है, लोग RO का पानी पी रहे हैं और RO का पानी पीने के बाद भी समस्याएं बनी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि RO सारे मिनरल्स छान देता है और शरीर में मिनरल्स की कमी हो रही है। तो अगर आप साफ पानी पिए तो समस्या, ना पिए तो समस्या। भारती रानी जी, ठीक है, काफ़ी लोगों ने होमवर्क किया है, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक कौन ये जी वाई हस्ट वाईटी, सर 2 सेकंड से लेट हो गया, माफ़ कर दो। चल जा, माफ़ करा तू भी, क्या याद रखेगा बेटा। किरण सैनी हो गया, ज्योति ठीक है, हाय। टाइफाइड, देखो भारती रानी जी को तो टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड मोस्ट कॉमन डिजीज है, पानी जब बारिश का पानी गिरता है ना, सबसे पहले मलेरिया, टाइफाइड ये हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। अब इनको टाइफाइड अभी हुआ शायद, तो टाइफाइड वैसे तो पानी की वजह से ही होता है और लंबे समय तक मियादी बुखार है तो टाइफाइड बन जाता है। तो भाई अपना ध्यान रखें, सबसे पहले सेहत है, थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। मैं सभी लोगों को एक्सरसाइज का ही बोलता हूँ और मैं खुद भी एक्सरसाइज करता हूँ, 1 घंटा या 1.5 घंटा में एक्सरसाइज करता ही करता हूँ। शरीर पे भले उसका असर ना दिखे, भले ही 6 ऐप दिखे या ना दिखे, आप फिट दिखे या ना दिखे, पर अंदरूनी आपको दिख जाता है, आपकी स्फूर्ति बढ़ जाती है, आप मेंटली काफ़ी स्वस्थ हो जाते हैं, काम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ना ही बेवजह गुस्सा आता है आपको। तो आप एक्सरसाइज करें, जरूरी नहीं कि यार आप सलमान खान की तरह बॉडी बनाएं या टाइगर श्रॉफ की तरह बॉडी बनाएं, हालांकि दोनों की बॉडी इतनी अच्छी नहीं जितनी ऋतिक रोशन की या विद्युत जामवाल की है, बट एक्सरसाइज करें। अगर आपको लग रहा है कि यार वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते आप, तो व्यायाम में आप और भी योगासन वगासन कर सकते हैं, पर एक्सरसाइज करें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। आगे बढ़ें आप, सर अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए प्लीज़। क्या मांजरी वर्मा जी, यार फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा तो तुम लोग मेरी बैंड बजा दोगे,
बहुत समस्या हो जाएगी। देखो ना ये बच्चे यूट्यूब वो स्टडी अड्डा वाली जो समस्या है वो मुझे शेयर कर रहे हैं, पढ़ाने से रिलेटेड अगर आप पूछोगे तो ठीक है चल जाएगा, बाकी चीज़ें पूछोगे तो बहुत समस्या आएगी। तो संतोष सक्सेना जी आप नया स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। चलिए आप पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं फिर हम वापस। अब दोस्तों आप सभी को पता ही है, एज आई इन्फॉर्म्ड यू कि फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है, बट सोचिए कि यार नाइन्थ और टेंथ में हम इंडिया का इतिहास पढ़ने की बजाय फ्रांस का क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस नाइन्थ क्लास में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और जर्मनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब ये तीनों चैप्टर ना कि फ्रांस, रशिया और जर्मनी के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन आंदोलनों के बाद में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले दुनिया में। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नींव रखी थी, डेमोक्रेसी के लिए नींव रखी थी, राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, देयर ओवर मेनी चेंजेस अकर्ड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट्स वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में जो बदलाव है वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो फ्रांस से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1789 में। तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये माइलस्टोन है। इसके बाद में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, उससे पहले राजा महाराजाओं का राज था जहां पर राजा अपने बेटे को राजा बना देता था, पर उस परंपरा को बदलने का जो कार्य था वो किन लोगों ने स्टार्ट किया, फ्रांस के लोगों ने। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना जरूरी है। दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन है, हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो अलग बात है कि कुछ स्कूलों में चैप्टर है, कुछ स्कूलों में नहीं है, ऑप्शनल है। पर रशियन रिवॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहली बार प्रजातंत्र को राजतंत्र से हटकर एक नया कानून आया या नए तरीके से सरकार चलाने की एक पद्धति आई, और उसका नाम क्या था, कम्युनिज्म, जो चाइना में अभी भी हमें देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नई थी और एक हटके थी, इसलिए उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि यार कैसे आई, किन लोगों की राय और वो कैसे काम करती है। और जर्मनी का इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ हिटलर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था, मतलब दुनिया समाप्ति की कगार पर थी। वो तो हिटलर की हार या मुसलिनों के द्वारा की गई आत्महत्या या कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे दुनिया बर्बाद होने से बच गई, तो उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो नाइन्थ और टेंथ क्लास में हमें हमारे देश में जो घटनाएं हुई मिलेगा ही मिलेगा, साथ में दुनिया में क्या हो रहा था वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक नई जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, और इस जर्नी में आज हमारे सामने जो चैप्टर है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं आप सिविक्स अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है यू हैव टू डिसाइड विच सब्जेक्ट आई टीच बेस्ट। मैं ज्योग्राफी में आपको पढ़ा चुका हूँ, हो सकता है उस समय आप तैयार ना हो पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मूड नहीं बन पाता है, लॉकडाउन के बाद में बच्चों का मूड नहीं बन पा रहा है पढ़ने के लिए, बट फिर भी ज्योग्राफी के हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दो नहीं आई थिंक तीन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कौन सा आपको अच्छा लगता है। ज्योग्राफी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, इतिहास का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो करें स्टार्ट, हम सभी लोग रेडी हैं, क्योंकि इतिहास दिमाग से ऊपर जाता है ना, यहाँ से आता है, यहाँ तक आता है और यहाँ से ऐसे करके निकल जाता है। क्योंकि मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एमए किया है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि अकबर कब पैदा हुआ था, अकबर ने कौन सा युद्ध कब लड़ा, अकबर कौन से युद्ध में जीता, कौन से युद्ध में हारा, अकबर की कितनी बीवियाँ थी, अकबर के कितने बच्चे थे, ये सब याद करते करते है ना, एक शादीशुदा इंसान उसकी बीवी है कि नहीं, उसके बच्चे है कि नहीं, उसकी शादी कब हुई थी और क्यों हुई थी, ये भूल जाता है। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पढ़ते पढ़ते है ना मैं अलग ही दुनिया में चला जाता था कि यार महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ तो उसका सेनापति कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक कब आया, तो ये कब हुआ, तो वो कब हुआ, क्योंकि इसमें सब कुछ डेट पे होता है। और आपको पता है लड़कियां डेट में कितनी अव्वल होती है, हर चीज़ इनको पता रहता है, ये मैंने फ्रॉक कब खरीदी थी, ये सैंडल मैंने कहाँ से ली थी, कितनी बजे ली थी, उसकी और मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी, कब हुई थी और क्यों हुई थी। और लड़के इसमें सबसे बुरे होते हैं, लड़कों को है ना उनका जन्मदिन भी अगर पूछो ना तो भूल जाते हैं, कभी कभी दोस्त याद दिलाते हैं रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे, तो मेरा बर्थडे फरवरी में आता है, मार्च में आता है, तो ऐसी हालत है। तो बच्चों को इतिहास का जैसे ही नाम लो ना बुखार चढ़ जाता है। तो देखते हैं यार कैसा इतिहास समझते हैं बच्चे, कितना याद रखते हैं। चले हाँ, टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी होगा ना सर, प्लीज टेल नाइन्थ कोर्स इज बाई, आप प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर से स्टडी अड्डा डाउनलोड करिए, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। प्रज्ञा अच्छा पढ़ती है, प्रज्ञा ने कुछ बोला क्या ऊपर, सर टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी इज कंडक्टेड बाय, यस अरे होगा टेस्ट होगा रंजीत जी, सरप्राइज टेस्ट है बेटा, ऐसा सरप्राइज दूंगा तुमको कि उसके बाद में जीवन में सरप्राइज से तुम्हें नफरत हो जाएगी। टेस्ट होगा, और कौन कौन से चैप्टर्स का है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन और ड्रेनेज।
एक बार स्टडी अड्डा के बच्चों की राय जान लें, क्योंकि उन बच्चों को पहले ही समस्या है कस्टमर केयर से। वर्ल्ड वॉर किस कारण हुआ था? उसके लिए बेटा तुझे थर्ड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ वर्ल्ड वॉर बताऊंगा तो मामला उलझ जाएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई सा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, पर ये चाइना वालों ने अगर ने रिसर्च बंद नहीं करा ना वुहान लैब में चमगादड़ और बंदर पे, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर जरूर होगा और चाइनीज लोगों की वजह से होगा। और साला इनकी तो आँख खुल नहीं रही, हमारी आँख जरूर बंद करवा देंगे। ये तो बंद आँखों से ही काम कर रहे हैं, और इसका वायरस उसको और उसका वायरस इसको घुसेड़ रहे हैं। पर अब अगर ऐसे ही चलता रहा, कल ब्रिटेन ने बोला, उसके पहले अमेरिका बोल चुका है, रशिया तो पहले से दांत पीस रहा है इन लोगों के ऊपर, इंडिया वाले भी थोड़े डाउटफुल है, इन्होंने ही वायरस बनाया। जैसे पक्का हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर पक्का। एप्पल में स्टडी अड्डा डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे मैं तो पहले ही बोलता हूं तनुश्री जी, यार कहां एप्पल खरीदा आपने, मेरा एमआई का ले लो, एप्पल मुझे भेज दो, स्टडी अड्डा इसमें बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। हां श्रुति मिश्रा जी वेलकम, 1 किलो मिठाई ले आई अगर आप नए स्टूडेंट है तो। सर आई लव हिस्ट्री, कुशाग्र अग्रवाल क्या बात है बेटा, हिस्ट्री से प्यार करता भी तू, नफरत भी करेगा देख तो सही। सभी क्लासेस चाहे वो 9, 10, 11, 12 कोई सी भी हो, सब 1, 2, 3, 12, 11 ऐसे स्टार्ट होती है बेटा। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम। सत्यजीत राय ध्यान दो बालक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक एक सेंटेंस हमारे लिए जरूरी है, और एक भी सेंटेंस अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए कि कटप्पा और बाहुबली वाली कहानी, कि अगर आपने सिर्फ एक सीन मिस कर दिया बाहुबली पार्ट वन में कि वाई कटप्पा किल्ड बाहुबली, तो आपको पार्ट टू समझ में नहीं आएगा। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको NTSC से लेकर UPSC तक काम आएगी। तो 14 जुलाई 1789 याद रखिएगा अंतरा जी, आज के बाद आप अपना बर्थडे भूल जाइएगा पर ये डेट मत भूलिएगा। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म, पेरिस अलार्म पे था, हर कोई कान ऊंचे कर तैयार था सुनने के लिए र्यूमर्स। और र्यूमर्स क्या थी, क्योंकि होता ना सुबह सुबह खबर आ जाती है कि यार ये हो गया वो हो गया, तो सब लोगों जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि क्या हुआ, एक्चुअली क्या होने वाला है, क्या घटना घटी। तो ऐसा इन पेरिस ऑल द पीपल वर रेडी फॉर द सरप्राइज। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, राजा ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि भैया घूमो, अगर कहीं भी कोई सस्पेक्ट दिखे तो शूट एट द साइट, देखते ही गोली मार दो। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. खबर क्या थी कि राजा अपनी सेना को कभी भी आदेश दे सकता है कि ओपन फायर करना है। ओपन फायर देखा नहीं जाता, किसको मानना किसको नहीं मानना है, बस मानना है। तो ये जनता में गलत फहमी थी, क्योंकि राजा की सेना मार्च कर रही थी, और राजा की सेना में गलत फहमी ये थी कि कभी भी रिवोल्यूशन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, लड़ाई के लिए कारण नहीं होता है, बगैर कारण के भी लड़ लेते हैं। क्लास में आपने काफ़ी बार देखा होगा, किसी एक फलाने बच्चे ने किसी फलाने बच्चे को बोला कि यार फलाना बच्चा कुत्ता है, तो उस फलाने बच्चे को किसी दूसरे फलाने बच्चे ने बोला कि फलाना बच्चा उस फलाने बच्चे को बोल रहा था तू कुत्ता है। आमने सामने नहीं हुआ कि ए ने बी को बोला कि सी कुत्ता है, अब सी को ये बी ने नहीं बोला, सी को डी ने बोला कि ए उसे बोल रहा था कि तू कुत्ता है, बस इसी बात पर लड़ाई हो जाती है। और कभी कभी तो क्या है, बातों को जब बातों बातों में निकाला जाता है तो पता ही चलता है किसी ने भी किसी को कुत्ता नहीं बोला है, बस ये तो उसके मन का वहम था कि कहीं मुझे किसी ने कुत्ता तो नहीं बोला है, और लोग लड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, राजा को डर था, द किंग वॉज वरीड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक वॉज वरीड अबाउट द आर्मी, यार व्हाई आर्मी इज वंडरिंग एट द सिटी, भाई शहर में क्यों घूम रही है, हथियार लेकर क्यों घूम रही है, क्या ये ओपन फायर तो नहीं कर देंगे। तो बस इस कुछ तरीके से होता है। तो हाँ बच्चों में ऐसा ही होता है, बच्चों में ऐसे ही बुराई करने वाली आदत रहती है कि दो लोग बैठकर तीसरे की बुराई करते हैं और बोले मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ तू किसी को बताना मत, हाँ भाई कसम से किसी को नहीं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा है, वो पहली फुर्सत में जाके वो चार लोगों को बता देगा, एक बात बता रहा हूँ किसी को बताना मत। तो ऐसा चलता रहता है, बच्चों की आदत रहती है। और ये बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको कोई राज पता है तो बेटा ये आप लोगों की जवाबदारी है कि उस राज को राज नहीं रखें, सबको बताएं, क्योंकि राज राज थोड़ी रखना है, बताना है उसको। तो जैसे ही अगर आपको कोई बोले ना यार देख तू मेरा सबसे अच्छा वाला दोस्त है, मुझसे ये गलती हो गई यार, तो किसी को बोलना मत यार, तेरी कसम तू सबको बताऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो याद रखो बच्चों है ना, अगर आपको कोई राज पता
उसको राज ना रहने दे, उसको राज वन, राज टू, राज थ्री, राज फोर, राज फाइव तक बना दे, और हो सके तो लोग है ना रायता नहीं बांटे शादी में, इस तरीके से बांट दे, पर खबर को खबर बना दे। कहाँ थे हम? यहीं पर थे ना, ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। सम 7000 मैन एंड वुमन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। टाउन हॉल कहाँ है ये याद रखेगा, टाउन हॉल में करीबन 7000 लोग इकट्ठा हुए, किस लिए? दे वॉन्टेड टू मेक द मिलिटिया, मिलिटिया मतलब आर्मी, वो एक कॉमन आर्मी बनाना चाहते थे, किससे लड़ने के लिए? राजा से लड़ने के लिए। कहाँ पर इकट्ठा हुए? टाउन हॉल में। अब टाउन हॉल का मतलब क्या होता है? पहले के समय क्या होता था, नाटकें हुआ करती थी, कुछ भी स्टेज बनाया जाता था जहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रस्तुति दी जा सके, तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए। दे वर जस्ट प्लानिंग टू फाइट विद द आर्मी ऑफ द किंग, बट दे डोंट हैव आर्मी, दैट्स वाई दे ट्राइड टू मेक देयर ओन आर्मी, और उसे क्या कहा गया? पब्लिक मिलिटिया। और इसमें करीबन कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 6 से 7 हज़ार लोग, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी थी जो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वी कॉन्ट ट्रस्ट एनी वन इन दिस जनरेशन, नहीं तो क्यों करो ना भी, जनरेशन पे क्यों करो, किसी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और एक एक इंसान का एक दोस्त जरूर होता है जिसको वो राज बताता है, मतलब हर एक का एक दोस्त ऐसा होता है जिसे सारे राज बताए जाते हैं, और उस दोस्त का एक और ऐसा दोस्त होता है जिसे वो सारे राज बता देता है, और फिर उस दोस्त का एक और दोस्त होता है, तो इसलिए कहा जाता है हर दोस्त का एक दोस्त होता है और सबके दोस्त होते हैं, और दोस्तों के माध्यम से खबर फैल जाती है। तो राज बताएं, राज बताने के लिए होते हैं, पर ऐसे बताएं जिससे आपको नुकसान ना हो, क्योंकि जब आप सारे राज सामने वालों को बता देना और वो जब राज खोलने पर आता है तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने राज नहीं बता रहा। अभी कोई नंबर मांग रहा था, मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। हाँ, दीपांशु सिंह ने क्या बोल रहा है? दीपांशु सिंह ने क्या किसी से कुछ बात बात शेयर किया? धोखा दे दिया दीपांशु तुम्हें किसी ने? क्रांति, हाँ अंशिका क्रांति, सर क्लास कौन से डेट से स्टार्ट हुआ है? बहुत दिन हो गए भैया, कैलेंडर मेरे पास तो कैलेंडर ही ख़त्म हो गया, महीने भर से ऊपर हो गया होगा। अर्शी उस्मानी जी, ठीक, कोई बात नहीं, जो भी नए स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपको काफ़ी आनंद आने वाले हैं। क्या वीडियो में क्या बोल रहे हैं यार? अंकित जी, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, व्हाट यू वांट टू से? हाँ, रिवोल्यूशन मीन्स चेंज। ये अंतरा चौधरी है ना, सबसे पूछताछ कर रही, इसको हम अटेंडेंस देंगे, ये अटेंडेंस लेने का काम करेगी कल से, ये सबका अटेंडेंस लेगी। आगे बढ़े, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब मिलिट्री तो बना ली 7000 लोगों ने, 6-7 हज़ार लोगों ने, बट दे डोंट हैव वेपन्स, इनके पास हथियार नहीं थे। अब हथियार की तलाश में इन्होंने सरकारी बिल्डिंगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट्स बिल्डिंग वर अंडर द टेरर दैट टाइम, एंड All the peoples who were the part of public militia were searching the weapons to fight with the army. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, Bastille क्या है? ये Bastille के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये थी फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब एक किला था जिसको जेल में तब्दील कर दिया गया था, और यहाँ पर किन लोगों को रखा जाता था? वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन, स्पेलिंग गलत हुई क्या? एम्यूनिशन, हाँ एम्यूनिशन लिखा हुआ सही। तो यहाँ पर वो सर्च करने गए थे हथियार की, उन्हें हथियार मिल जाएगा, असला मिल जाएगा, पर यहाँ पर किन लोगों को रखा गया था? कैदियों को, जो सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जो क्रांति करता था, उसको बंद किया गया था। तो ऑल द पीपल जस्ट अटैक ऑन द Bastille इन द सर्च ऑफ द वेपन इन द आर्म्ड फाइट दैट दे फॉलोड, द कमांडर ऑफ द Bastille वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, एंड थ्रू देयर वर ओनली 7 ऑफ देम एट द Bastille वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब यहाँ पर हथियार की तलाश में गए, हथियार तो मिले पर कम मिले,
गुस्से में लोगों ने क्या करा, इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे किले को ढहा दिया, क्योंकि इस किले से सब नफरत करते थे। नफरत का कारण क्या था कि राजा यहीं पर लोगों को जेल में डालता था। जैसे अंग्रेजों के समय सजाए काला पानी का आपने नाम सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार में एक जेल है, सेलुलर जेल, जिसे सजाए काला पानी कहा जाता है। वहाँ पर जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते थे, उनको उस जेल में डाल दिया जाता था। अब बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। तो बस कुछ इसी तरीके से बेस्टाइल थी, जहाँ पर राजा अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेल में डालता था। जब यहाँ पर हमला हुआ, हथियारों की तलाश के बाद में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, और पूरा जो फोर्ट था, किला था, वो किस में तब्दील हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। एट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवनीर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस। तो पूरी बिल्डिंग को ढा दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया, डेब्रीज में तब्दील कर दिया गया, और मार्केट में इसके जो अवशेष थे वो बेचे गए। लोगों ने इस याद के लिए खरीदे कि आगे से ये याद रहेगी, मेमोरी रहेगी, किस प्रकार हमने उस बिल्डिंग को ढाया था। तो मार्केट में उसके जो भी बचे कुचे पार्ट्स थे वो बेचे गए लोगों ने मेमोरी के लिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी मैच जीतने के बाद स्टम्प उखाड़ के ले जाया करता था ना, यार ये इस मैच का, तो मुझे ध्यान नहीं आया कि महेंद्र सिंह धोनी स्टम्प इसलिए उखाड़ते थे कि मेमोरी के रूप में, या फिर चाय वाय बनाने के लिए, यार स्टम्प की चाय अच्छी लगती है, इतने स्टम्प उखाड़े उन्होंने, इतने मैच जीते। तो बस उसी तरीके से फॉर द मेमोरीज मैनी पीपल ब्रॉट द फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग टू देयर होम। द डेज दैट फॉलोड सम मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। बस उसके बाद में क्या था, दिन खराब होते ही चले गए, पेरिस और आसपास दंगे बढ़ते ही चले गए, क्योंकि राजा अपनी बात पे अड़ा हुआ था और जनता अपनी बात पे अड़ी हुई थी। अब बात क्या थी ये हम समझेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम घटना पढ़ रहे हैं। जो घटना कब घटी थी, 14th of July 1789 पे। वी आर जस्ट स्टडिंग हेयर कि व्हाट वर हैपन्ड ऑन 14th of July 1789। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टे ट्यून विथ अर्जुन सिंह सैंधव ऑन स्टडी अड्डा और यूट्यूब। सर हु वॉज द किंग, हाँ हाँ सब बताएंगे बेटा, तुझे अभी से बता दें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 150-200 रुपये बच नहीं जाएंगे तेरे, अभी वो KGF में पता है तुमको, KGF का अगर पहला पार्ट देखा हो तो रोकी भाई का बताया सिर्फ, पर यह नहीं बताया कि रोकी भाई ने क्या किया। तो जितने लोगों ने KGF देखी वो तो देखने जाएंगे ही जाएंगे, पर जितने लोगों ने सुना है कि KGF बहुत अच्छी मूवी थी वो भी देखने जाएंगे। तो मतलब 50% तो इनकम पहले वाली हो गई और बाकी के लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये एक तरीका होता है पब्लिसिटी का। तो अब मैं तुझे अभी बता दूं कि कौन किंग था तो तू तो निकल लेगा घर। तो हमको पूरी बात जानने के लिए बने रहना है, तो आप बने रहिए हमारे साथ रहिए। हाँ अनिकेत नाय ने कहाँ पर अटका हुआ है इंस्टाग्राम की वीडियो पे, अच्छा अंकित की शादी हो गई है, उसका बेटा भी है, सपने में रहे, सपने में उठ गया सुबह, उसको बोल के अब तू उठ गया बेटा, उठ जा। हाँ सलाम रोकी भाई, इफ यू आर बाइट आई एम यूर डाइट। तो मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। देखिए पहला कारण क्या था, लोग नाराज क्यों थे, वाई द पीपल वर एंग्री विद द किंग। तो पहला जो कारण था वो ये था कि ब्रेड की प्राइस बढ़ गई थी, मतलब कीमतें अनाज की। जैसे अभी हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे तेल 150 रुपए लीटर हो गया है, कौन सा खाने का, जलाने का 102-103 रुपए पे पहुँच गया है, तो वहाँ पर चीज़ों के भाव बढ़ गए। और सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है, जब खाने पीने की चीज़ें, इसीलिए तो किसानों के साथ अत्याचार होता है कि सरकार खाने पीने की चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ने देती। क्योंकि खाने पीने के आपको अगर बोला जाए कि यार जो रिचार्ज है वो बढ़ गया, बोलो कि चलो बगल मोबाइल के ले लेंगे, टीवी के भाव बढ़ गए बगैर टीवी के रह लेंगे, इसका भाव बढ़ गया ठीक है इसके बगैर रह लेंगे। पर अगर आपको बोला जाए कि आपकी जो चपाती है वो 50 रुपये की आ रही है एक, और आप दिन भर में तोड़ते हैं 20 चपाती, तो सोच लीजिए कितनी महंगी पड़ेगी, फिर आप नहीं रह पाओगे, आप सरकार के खिलाफ ही खड़े हो जाओगे। अरे ऐसी कहेगी सरकार यार के भूखे मरेंगे क्या, ये तोंद बाहर निकाली इतनी मेहनत से कि अंदर चली गई तो अर्जुन सर की तरह फ्लैट हो गए, तो नहीं भैया इस सरकार को हटा दो। तो बस यही कारण था कि वहाँ पर द प्राइस ऑफ द ब्रेड वॉज सो हाई, पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड द मूवमेंट। बोला यार लुई 16 है इसको निपटाओ साले को, ये तो भाव बढ़ा रहा दिन दुना रात चुगना, पेट्रोल 60-70 का था 100 पर पहुँचा दिया, मतलब ये तो मैं अपने यहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर था। तो पहला कारण था कि प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज वेरी हाई। ब्रेड खाते हैं वहाँ पर, चपाती तो खाते नहीं वो, हालांकि बनती एक ही से, पर वहाँ पर ब्रेड बनाया जाता है। तो विदेश में लोग ब्रेड बनाते हैं इसलिए तो कांटे छुरी से खाते हैं, अपने इंडिया में कांटे छुरी नहीं चलते, अपने यहाँ दाल बाफले दाल बाटी कांटे में आते ही नहीं, अगर आप कांटे में बाटी फंसा भी लोगे ना तो आपके मुंह में
नहीं जाएगी, लिट्टी चोखा और ये चीज़ कहाँ काटे छुरी से। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो फॉरेनर को बड़ा पसंद करते हैं और वो बड़े क्लीन तरीके से रहते हैं, बहुत साफ तरीके से खाना खाते हैं। तो भाई उनका खाना ऐसा है, आपने तो चावल जब तक दाल में नहीं लोथो ना जब तक आनंद आएगा नहीं। बाफले आप पूरा है ना, पूरा बाफला वो थाली में पूरे नहीं घुमाओ जब तक आप खाना खा ही नहीं सकते। वो तो क्या ब्रेड को बड़े छुरी से काटते हैं, कांटे से लेते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो उनका खाना उस तरीके का है, अपना खाना उस तरीके का नहीं है। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, जो अमेरिका और ब्रिटिश वालों की कॉपी कर रहे हो, तो बेटा खाने तक कॉपी मत करना, वरना पता चले बाटी में कांटा तो चुभा दिया तुमने पर वो छुरी से तुम्हारी बाटी नहीं कटेगी, उसके लिए तुम्हें कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी। और कुल्हाड़ी बाटी में मारोगे ना तो कुल्हाड़ी से बाटी कटे नहीं कटे थाली जरूर कट जाएगी और सिर पर आकर टंग जाएगी। तो अंग्रेजों को फॉलो करो पर खाने तक नहीं, खाने से पहले, वरना बहुत समस्या हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूजन्स ऑफ द किंग इन फ्रांस। Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? अब कुछ लोगों का मानना है ये तो बस शुरुआत थी, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसके बाद तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनका नतीजा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों ने उस समय आंदोलन में भाग लिया, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया। मैनी पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट दैट टाइम, मैनी वर आउट ऑफ द मूवमेंट, बट कुछ समय बाद बदलाव देखने को मिला। और वो कौन लोग थे जो इसमें भाग ले रहे थे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हम जानेंगे अगली स्लाइड में। बच्चों की राय ले लेते हैं, कुछ कोई कह रहे हैं क्या दाल बाटी और बाफले के बारे में, किसी की राय? हाँ, ये हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, इट वॉज द फर्स्ट स्लाइड। बच्चों की राय लेते हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं? दीपांशु न्यू है सर, प्लीज़ गिव यू ट्यूब लिंक। एस आई एस देवास है, एस आई एस लिखो कैपिटल में और देवास लिख दो, डी ई डब्ल्यू ए एस। अरे दीपांशु यार, दूसरे को तो पढ़ने दे। सर भाई वाज देयर इज हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, हाँ ये कारण हम पता करेंगे, ब्रेड का भाव क्यों ज़्यादा था। वैष्णवी एनी जी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ा, उसके पीछे कारण है, सब कुछ बताया गया इस चैप्टर में बहुत अच्छे से, चैप्टर बहुत बढ़िया है, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ठीक है टीम एर्थ, अगर आप नए हैं तो हम भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं। हाँ यूपी नहीं, ये है ना, ये अमृत राय जो है ना ये झूठ बोल रहा है, ये यूपी का भी नहीं है, ये बिहार का भी नहीं है, दोनों के बॉर्डर का है। जब यूपी वाले इसको पकड़ने जाते हैं ना कुछ ये गलत सलत करता है तो बोलता मैं बिहार से हूँ, और जब बिहार वाली पुलिस पकड़ने आती तो बोलता मैं यूपी से हूँ। ये झूठ बोल रहा है अमृत राय, ना तो यूपी से ना तो बिहार से, तो इंडिया का है। मैं फिर बोल रहा हूँ यूपी बिहार ना करें, सोच बड़ी रखें, वी आर ऑल इंडियंस, इवन अमेरिका और चाइना भी इंडिया में ही आता है, समझ रहे हो आप? जिस प्रकार चाइना वाला अपना मैप बनाता है ऐसा आप अपना मैप बनाओ। हु वॉज द सन ऑफ बाबर, हु इज नहीं बेटा हिमांशु, हु वॉज। बहुत लंबी चौड़ी कहानी बेटा, बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से चलते जाओ शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, में औरंगजेब के बाद तो फिर अच्छे से अच्छे नाम आते हैं जो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। महमूद शाह है तो शाहजहां सेकंड है, तो बहादुर शाह फर्स्ट है तो सेकंड है, तो फर्रुख शेर है, तो महमूद शाह रंगीला है, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। बाबर पे क्यों अटके हो हिमांशु सिंह जी? आगे बढ़े आप। आई एम फ्रॉम बिहार, टीम एट। रियोटिंग मीन्स दंगे, आकांक्षा त्रिवेदी जी, रियोटिंग मीन्स दंगे, हाँ डाउट क्या है? एद्विक शर्मा जी बोलिए। अच्छा ठीक है, लिट्टी चोखे वाले हो तुम। अब अगली स्लाइड। एट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिस्ड फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. तो देखिए बस इतना ही काफ़ी नहीं है कि द प्राइजेस ऑफ द ब्रेड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। और भी कुछ ऐसे कारण थे जो हमारे सामने निकल कर आते हैं, जैसे कि पहला कारण जो सोसाइटी, समाज के रहने वाले लोग,
कितनी कैटेगरी में बटे हुए थे? तीन कैटेगरी में बटे हुए थे, पहली फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। जैसे आज समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, अगर हम पैसे के आधार पर बात करें तो अमीर और गरीब। पर और ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर हम डिवाइड करें तो कितनी कैटेगरी हो गई? अमीर, मिडिल क्लास और गरीब। धर्म के आधार पर बात करें तो अलग अलग क्लासेस निकल कर आती है, जाति के आधार पर बात करें तो अलग अलग क्लासेस निकल कर आती है। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस समय किस तरीके से डिवाइडेड थी? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी, और तीनों किस नाम से जानी जाती थी? थ्री स्टेट्स के नाम से। अब जो थ्री स्टेट्स थी उसमें सबसे लोअर जो थी उसे बोलते थे थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था और अधिकार के नाम पे कुछ भी नहीं था। दे हैड टू पे द टैक्सेस एंड दे डोंट हैड एनी काइंड ऑफ राइट्स, मतलब अधिकार के नाम पे कुछ नहीं और टैक्स सब कुछ पे करना। जैसे कि आपके घर वाले, मैं आपके घर वाले काम करवाने में जा रहे, अमृत सब्जी लिया जाओ, प्रज्ञा बर्तन मांझ दो, जाओ सत्यजीत तुम साइकिल साफ कर दो, बाइक साइड कर दो, टीवी बंद कर दो, रिमोट उठा दो। और जब अधिकार की बात आती, मम्मी 10 रुपये दो। क्यों, पैसे झाड़ पे लगते हैं क्या? काम वाम तो तू कुछ करता नहीं। अब मम्मी को समय पलट के जवाब दे दो, मम्मी सारा काम आप मुझसे ही तो करवाती हो, तो मम्मी फिर चप्पल पे चप्पल फेर देगी और पैरागान वाली फेरेगी, और पैरागान वाली तो चलो हल्की होती है, अजय देवगन वाली वीके सी प्राइड घुमा दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो हम चुप रह जाते हैं। तो बस ऐसे ही थर्ड स्टेट की कहानी थी। फ्रांस में बेचारे टैक्स पे करते थे, सारी जो बर्डन थे वो उनके ऊपर थे, और अधिकारों की बात आती तो कुछ था नहीं, तो बस आंदोलन तो करना जरूरी था। तो कभी कभी हम भी पलट के किरण जी जवाब दे देते हैं कि मम्मी बहुत हुआ, तो मम्मी बोले क्या करेगी, घर छोड़ के चली जाएंगे। मम्मी बोले चल निकल पहली फुर्सत से, पर आई वॉज जोकिंग। तो इस प्रकार से उन्होंने भी बेचारों ने जोक करा और रिवोल्ट करा, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बट सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने सरकार को बदलने के लिए ट्राई करा, दुनिया को बदलने के लिए ट्राई करा, और जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको बदलने के लिए ट्राई किया। और इसीलिए हम फ्रेंच रिवोल्यूशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वरना फ्रांस से ना तो हमें कोई लेना है ना कोई देना है। दिस रिवोल्यूशन डिड नॉट चेंज आर लाइफ, और इससे हमें किसी भी प्रकार का ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये पहली लड़ाई थी। ये उन लोगों के द्वारा लड़ी गई थी जिनके पास बिल्कुल अधिकार नहीं थे, जिनके पास बिल्कुल पावर नहीं थे, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, पर उन्होंने दुनिया को बताया कि लड़कर अधिकार लिए जा सकते हैं, और अधिकार अगर ना भी मिले तो लड़ना जरूरी है। मेरा व्हाट्सअप का DP डला हुआ है, या अमृत ने देखा होगा, जिसमें बोला गया है कि हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कोई था मैदान में जो लड़ रहा था। समझ रहे हो आप बात को, कि दुनिया को ये भी बताना जरूरी है कि कोई है जो लड़ेगा, जो है कोई लड़ रहा है। जरूरी नहीं कि आपकी जीत पक्की हो। अगर आप मुझसे सहमत हो तो से यस। कोई है तो हाँ, अमृत राय आज राजकुमारी जी लेक्चर नहीं देख रही, राजकुमारी जी गायब है आज। NCERT बुक है बच्चा, ये NCERT बुक है ना बेटा, आपकी जो NCERT बुक है वही बुक है, सेम एज इट इज है। इसे कुछ भी फेर बदल नहीं किया है मैंने, मैं अपनी तरफ से कुछ भी फेर बदल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी मैं समझाऊंगा बोर्ड पे लिखकर ही समझाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ, मैं सिर्फ SST पढ़ा सकता हूँ। हाँ, अगर ज़्यादा लगा तो मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, बाकी साइंस मेरे खानदान में किसी ने नहीं पढ़ा। मैथ्स तो मैंने पिछले जन्म में ही छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए, सहमत है ज़्यादातर लोग। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ये जंग हम लड़ रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम 9th और 10th में पास हो, पर हम दुनिया को दिखाएंगे कि कोई था जो 9th और 10th में पास होने के लिए मर रहा था। तो द सोसाइटी का जो पार्ट था वो फ्यूडल था। फ्यूडल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप वो होता है जो राज करने वाला होता है, और एक ग्रुप वो होता है जिस पर राज किया जाता है। ये बेस्टाइल का पीक है आपके सामने, है ना? बेस्टाइल किस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, शायद ब्लैक एंड व्हाइट होगा, काफ़ी पुराना होगा, कार्टून का प्रयोग किया गया होगा उसमें। अब फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी क्लासेस थी, ये डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में है, आप बुक में भी देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी,
The second state is nobility, and the third state is big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., peasants and artisans, small peasants, landless laborers and servants. तो ये डायग्राम के माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कलर जी कौन थे, राजा महाराजा और उसके रिश्तेदार या रूलर्स, नॉबिलिटी वो लोग जो उनकी मदद करते थे रूल करने में, और बेचारे तुम्हारे और मेरी तरह लोग, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई टीचर है, सरकार से सिर्फ शिकायतें कर सकता है, जवाब देता नहीं, टैक्स भी सबसे ज़्यादा यही पे करता है, सरकार ने 80 रुपये का पेट्रोल कर दिया तो भी भरवाएगा, 100 का कर दिया तो भी भरवाएगा, 120 का करवा दिया तो भी भरवाएगा, है ना, टैक्स देता है, किसी प्रकार की आफत आती है तो हाथ जोड़ता है, काम करवाने के लिए रिश्वत देता है, काम फिर भी नहीं होता है तो फिर रिक्वेस्ट करता है। तो सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लासेस की ही है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, गरीब लोगों की एक ही समस्या है, पेट भरना, और पेट भरने के अलावा उन्हें कोई समस्या ही नहीं है। अमीर लोगों की एक ही समस्या है, तिजोरी भरना। मिडिल क्लास लोगों की बहुत सारी समस्या है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उनके लिए अच्छे कपड़े अरेंज करना, परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी जीना, क्राइम नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं है, और बहुत सारी समस्या है यार। आप अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पापा से पूछना कि वो कौन कौन से मेंटल स्ट्रेसेस से गुजरते हैं, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि मिडिल क्लासेस सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। वो किसी नाटक में एक डायलॉग था, शायद मुन्ना भैया का ही था, मुझे ध्यान तो नहीं कौन से नाटक में या कौन से मूवी में था, कि दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह मिडिल क्लास होना है। अगर ये गुनाह आपने कर दिया तो फिर आपसे गुनाह ही गुनाह होंगे। अब बाकी आप समझदार है, तब क्या मालूम कितने मिडिल क्लास लोग और कितने अमीर लोग हैं भैया, पर मैं तो मिडिल क्लास हूँ। और मिडिल क्लास में से भी अगर आप अलग अलग क्लास बनाओगे ना, तो उसमें सबसे नीचे वाली क्लास में से हूँ मैं। अरे नितेश माली, तू यहाँ जानकारी बांट रहा है बेटा है। अब फ्रेंच सोसाइटी इन 1774 लुई 16 ऑफ द बारबोन फैमिली, याद रखिएगा है, ये तो आप भूलेंगे नहीं। वैसे बारबोन नाम का बिस्किट आता है, बहुत बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी का है, पर साले ठगते बहुत हैं, बहुत कम बिस्किट देते हैं उसमें। ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो कहानी कब से स्टार्ट होती है? अगर हम फ्रेश बैक में चलें तो कहानी स्टार्ट होती है 1789 से नहीं, 1774 से। क्रांति कब हुई थी, रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में, पर उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1774 में। तो 1774 में बारबोन फैमिली का राजा बना कौन? लुई 16। मतलब लुई 16 किस फैमिली से बिलोंग करता था? बारबोन फैमिली से। तो ही बिकम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनाइट। अब ये दोनों तीनों बातें याद रखेगा, इसकी उम्र क्या थी? 20 साल, अपने अमृति से थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा। और किससे शादी करी इसने 20 साल की उम्र में? ऑस्ट्रियन प्रिंस, ऑस्ट्रियन नो कि ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग है, वहाँ की राजकुमारी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, इनसे इन्होंने शादी की। तो 20 साल की उम्र में देखो ये कितना भाग्यशाली था यार, राजा भी बन गया और शादी भी हो गई। मतलब यहाँ तो ना शादी के ठिकाने हैं और ना राजा बनने के, राजा बनने तो बनना मतलब ठिकाने ही नहीं है कि क्या बनेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी पास होंगे नहीं होंगे। अगर आप 9th में या 10th में हो तो 6 साल आपकी उम्र, मतलब 16 या 17 साल की उम्र में मोस्टली ये बच्चे होंगे, 16-17, और कोई कोई 18 साल की उम्र में भी होगा, कोई कोई 14 साल की उम्र में भी होगा, पर मोस्टली अगर हम एवरेज एज निकालें तो क्या होगी? 16 से 17 साल की उम्र। तो सोचिए 3 साल बाद ऐसा नसीब पलटेगा कि आपकी शादी भी हो जाए और आप राजा बन जाए, नहीं हो सकता। शादी और भी घर वाले करवा देगी, यार ये लड़की नहीं पढ़ रही है, चलो बर्तन मांजेगी ससुराल में जाके कि लड़का बड़ा तेज चल रहा है, इधर उधर बाइक घुमाता रहता है, नजरें फाड़ता रहता है, इसकी शादी करवा दो, साले पे दबाव बनेगा तो कंट्रोल में आएगा, ये हो सकता है। बट राजा तो कहीं से कहीं तक नहीं बनना बेटा, राजा तो अपन किसी कोई भी नसीब लेके नहीं आए कि राजा बन जाए, पर बंदे का नसीब देखो 20 साल की उम्र में राजा बन गया। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, पर किस्मत कब तक साथ देती, राजा तो बना पर खजाना खाली, मतलब तलवार की म्यान तो दी पर तलवार नहीं दी, बंदूक तो दी पर गोली नहीं दी। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ, राजा बना पर क्या था? खजाना खाली, एम्प्टी ट्रेजरी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। अब यहां पर आपसे कारण पूछे जाएंगे खजाना क्यों खाली था, क्लासेस में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। किरण बड़ी मुस्कुरा रही है, किरण को शादी का नाम सुनते ही थोड़ी हंसी छूट रही है कि भगवान सुन ले और कुछ ना कुछ शादी तो करवा ही दे लॉकडाउन में, ये कोरोना इससे पहले कि हमको लेके जाए शादी देख ले, हम कम से कम 7 फेरे फिर लें। तो पिछले साल तो है ना सरकार ने जैसे लॉकडाउन लगाया था, ना जाने कितने लोगों की इच्छाएँ खत्म हो गई थी, प्लानिंग धरी रह गई कि मैं आपसे शादी करूँगा, लॉकडाउन की वजह से सब कैंसिल। पर इस बार बहुत सारे लोगों ने शादी कर ली कम खर्चे में, एक पंडित और 4-5 लोग।
यार पीयूष, तुम किसी भी पब्लिकेशन ये मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। बाकी मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतनी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं ये नहीं बोल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मुझसे पढ़ने के बाद में तुम्हें किसी प्राइवेट पब्लिशर को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, डोंट वरी। आप तो सिर्फ जो जो मैं बातें बता रहा हूं उन पर गौर करिए। हाँ वो देखो सहमत है। अच्छा कौन है? तनुज गोयल। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो टाइम भी हो गया, अब आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। विजेता जी, अब शायद साइंस की स्टार्ट होने वाली है आजकल से, आप उसमें देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने पूछा था, शायद मंडे ट्यूजडे बताया था मुझे, आज एक और क्लास स्टार्ट हो गई आपकी, सिंप्लीफिकेशन या कुछ ऐसा था, इंट्रोडक्शन था, मैंने उस पर देखा था थंबनेल पे। हाँ फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, सुरुचि जी फर्स्ट और सेकंड। यार अंशिका कुछ कह रही है बहुत देर से, तो इसका सिर्फ मुझे एटसेट्रा दिखाई दिया। नोट्स आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे और स्टडी डेटा मिल ही रहे हैं सारे। अंशिका का कमेंट, अंशिका का कमेंट क्या है सर? व्हाट इज 18th सेंचुरी? अभी क्या कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21वीं, 21st। अब मान लो हम ये दिखाना है ये, तो ये होगा 20th सेंचुरी। कैसे होता है समझिए, अगर यहां पर हमने लिखा 1807 तो ये होगा 19th सेंचुरी। मतलब जैसे ही वन स्टार्ट होता है तो 1900 तक, या वन स्टार्ट हुआ तो 1800 तक, उसे सेंचुरी कहा जाता है, 100 साल का जो पीरियड होता है। तो यहां पर 1774 क्या हुआ? 18th सेंचुरी हुआ, क्योंकि हम 18th सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसे बोलता जाता है सेंचुरी। ठीक, चलिए बाय। नहीं, मैं आपके घर आऊँगा, आपकी शादी में भाई साहब, मैं आपके घर आऊँगा। चलिए सभी लोगों को बाय।